पूरे YouTube पर अब तक का ऐसा नाश्ता किसी ने भी नहीं बनाया है। एक कप गेहूं के आटे से बना ये नाश्ता जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी है और हेल्दी भी है। ये नाश्ता सिर्फ 5 मिनट में बन करके तैयार भी हो जाता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरे आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ये नाश्ता बनाने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे लेना है गेहूं का आटा। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1 कप गेहूं का आटा, जिस पे मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप चावल का आटा। और चावल का आटा डालने के बाद आपको यहाँ पे 1/2 कप बेसन डालना है। इसके बाद आपको यहाँ पे लेना है नमक। मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून नमक लिया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हो। फिर यहाँ पे 1/2 छोटा चम्मच आपको लाल मिर्ची पाउडर लेना है। अगर आपको तीखा कम पसंद है तो आप यहाँ पे पाउडर कम भी डाल सकते हो। फिर आपको यहाँ पे 1/4 चम्मच हल्दी डालनी है। और इसके बाद मैंने यहाँ पे प्याज डाला है। मैंने यहाँ पे 1 मीडियम साइज़ का प्याज लिया है और उसे मैंने चॉप्ड करके इसमें ऐड किया है। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, उन्हें भी चॉप्ड करके ऐड करना है। फिर आपको यहाँ पे 2 हरी मिर्ची डालनी है। हरी मिर्ची अगर आपको ज़्यादा तीखा नहीं पसंद हो तो आप 1 ही डालिएगा। फिर मैंने यहाँ पे 1 मुट्ठी धनिया डाला है, इसे धो करके अच्छे से डाल दिया है। अभी हमारा मिक्सचर बन करके तैयार है। अब आपको इसमें पानी डालना है। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1 गिलास पानी। पानी डालने के बाद आपको इसे काफ़ी अच्छे से मिक्स कर लेना है। पानी की जो क्वांटिटी है वो हो सकता है आपको थोड़ी सी कम या थोड़ी सी ज़्यादा भी लग सकती है। बस आपको इसे पानी डाल के काफ़ी अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो कुछ इस तरह की रहे। इसकी कंसिस्टेंसी ना तो ज़्यादा थिक होगी और ना ही ज़्यादा थिन होगी। तो आपको इस तरह की कंसिस्टेंसी का बैटर बना लेना है। तो आपको उसी हिसाब से इसमें पानी को भी ऐड कर लेना है। तो अब आप देख सकते हो ये जो हमारा बैटर है वो बन करके तैयार है। तो अब हम देखते हैं इसे आगे किस तरह से इस्तेमाल करना है। तो अब इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है नॉनस्टिक पैन। अगर आपके पास ये नॉनस्टिक तवा नहीं है तो आप किसी भी तवे पर इसे बना सकते हो। इसमें आपको डालना है 2 चम्मच तेल। तेल डालने से क्या होता है कि जो बैटर है हमारा वो बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा और हमारा नाश्ता काफ़ी अच्छे से बन करके तैयार हो जाएगा। तो तेल डालने के बाद जैसी तवा हल्का सा गर्म हो जाए तो आपको यहाँ पर बैटर को डाल देना है। बैटर को आपको अच्छे से एकदम फैला देना है। तो आपको यहाँ पर जो फ्लेम है वो एकदम मीडियम ही रखना है। आप इसे एकदम हाई फ्लेम पर मत रखिएगा वरना ये जल जाएगा। तो बैटर आपको अच्छे से डाल देना है और चम्मच की मदद से आपको इस तरह से जो है ना हर जगह फैला देना है। अगर आप नहीं फैलाओगे तो जिस साइड भी बैटर थोड़ा सा ज़्यादा होगा तो हो सकता है उस साइड पे थोड़ा सा कच्चा रह जाए। तो चम्मच की मदद से आपको एकदम अच्छे से फैला देना है। और फैलाने के बाद आपको इसे कम से कम 2 मिनट तक पकाना है। ये एक साइड से 2 मिनट पकने में टाइम लेता है। तो कैसे पता चलेगा कि ये पक चुका है? तो आप इसके ऊपर इस तरह से चम्मच को फैला देना। अगर चम्मच लगाने पर बैटर आपके चम्मच पर नहीं चिपक रहा है तो मतलब ये आपका एक साइड से पूरा का पूरा पक चुका है। तो जैसे ये पक गया है तो आपको क्या करना है कि इसके साइड्स को पहले छुड़ा लेना है और साइड्स छुड़ाने के बाद आपको इस तरह से पलट देना है। और फिर इसे पलटने के बाद आपको दूसरे साइड से भी इसे अच्छे से सेक लेना है मीडियम फ्लेम पर ही। और अब आप देख सकते हो कि जो हमारा नाश्ता है वो दूसरे साइड से भी अच्छे से सेक चुका है और हमारा नाश्ता बन करके पूरा तैयार है। तब हमारा नाश्ता बन करके तैयार है। आपने देखा किस तरह से सिर्फ हमें 5 मिनट लगा इसे बनाने में। और मैंने इसे पिज़्ज़ा सॉस के साथ सर्व किया है जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और आप ये नाश्ता अभी के अभी जा करके बना के ट्राई ज़रूर करें। तो जब तक कि आप ये नाश्ता इन्जॉय करते हैं तब तक मैं आप लोग के लिए नई रेसिपी की तैयारी करती हूँ। तो चलिए अब हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। बाय बाय।